गाइस वेलकम बैक सो बॉस कार्तिक आर्यन यार ये एक्टर भूल भुरैया थ्री जैसी फिल्म में भी ये सही बैठते हैं इससे पहले हम इनको जब देखते हैं इन चंदू चैंपियन तब ये सही बैठते हैं द काइंड ऑफ रेंज ही हैज इज एब्सोल्युटली टेरिफिक भूल भुलैया थ्री का रिव्यू साथ साथ में बॉक्स ऑफिस में क्या कुछ चल सकता है और जो कॉर्पोरेट बुकिंग वाली बातें हो रही थी क्या वो सही में ऐसा देखने में मिला या नहीं मिला सब कुछ बताती हूँ आपको मैं इस वीडियो में लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सो एंड सो ग्लैड टू सी दैट भूल भुलैया इज गेटिंग दैट एक्सेप्टेंस फ्रॉम ऑडियंस जो शायद ये डिजर्व करती थी क्योंकि कार्तिक आर्यन इज एन एक्टर जिसके जैसे मैं कह रही हूँ कि इतनी जबरदस्त रेंज है साथ साथ में वी हैव The OG विद्या बालन we have माधुरी दीक्षित and so many twists and turns अनिज बाजी ने हमारे लिए जो रखे हैं सस्पेंस में absolutely amazing मुझे मैं आपको honestly बता रही हूँ मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी भूल भूलैया से कि इसका कंटेंट ऑडियंस को इतना पसंद आएगा लेकिन ये साल मैंने आपको कहा हॉरर कॉमेडी का साल है साल है चाहे स्त्री टू थी चाहे मुंजिया थी चाहे शैतान थी कोई भी फिल्में थी जो भी हॉर से रिलेटेड वो ऑडियंस में बहुत ज्यादा पसंद की गई है आप भूल भुलैया के बारे में बात करते हैं हाउ इज सी मेरी subjective choice, आपकी subjective choice से different हो सकती है इसलिए मैं आपको बताने वाली हूं कि भाई मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैं ऑनेस्टली एक्सपेक्टेशन लो करके गई थी मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी लेकिन अगर आप ये सोचोगे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ होने वाला है आई वुड से डू नॉट अ मास प्रॉपर एंटरटेनर बहुत ही अच्छा इसका मतलब कहानी आपको बहुत डिफरेंट है ये वो वाली कहानी नहीं है सेकंड पार्ट वाली नहीं है फर्स्ट पार्ट वाली भी नहीं है लेकिन इसमें एक कुछ चीजें ऐसी हैं जो सस्पेंस वाली क्लाइमैक्स वाली है जिसमें आपको लगेगा भाई ये तो सोचा ही नहीं था ये क्या हुआ एंड सबसे एक्साइटिंग पता है क्या है मतलब मुझे लग रहा था शायद विद्या बालन जस्ट फॉर द नेम सेक फॉर दैट डांस आमिजय तुम्हारा ऐसा ना हो गया हो कि सिर्फ उसके लिए उनको लिया गया बट शी स्टील्स द शो तो है सामने कोई भी चैलेंज रख दो कोई भी रोल रख दो कुछ भी कर दो करके दिखाएंगे आई हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन हेम एज एन एक्टर बट लाइक आई से विद्या बालन माधुरी दीक्षित ये लोग जो एंटर किए हैं ना इसमें और जिस तरीके से Uh, कहानी चलती है आगे एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग ये देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली जो दोनों फिल्में हैं दोनों के कंटेंट्स मैंने सिंघम के बारे में बताया भूल भुलैया का भी कॉन्टेंट ऐसा है जो कि आप जरूर जाके अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो बहुत ही मजा आएगा और बच्चों को बहुत मजा आएगा क्योंकि फिल्म में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे हैं और बिल्कुल भी कहीं से भी ऐसा नहीं है कि आपको यू विल फील यू नो मतलब कि आप बच्चों के साथ चले गए कोई डर गया या कुछ स्त्री टू वो स्टिल अ बिट मोर स्केरी एज कंपेयर टू भूल भुले बट आई वुड से दैट फिल्म बहुत अच्छा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उठा सकती है बस एक चीज थी जो मैं गई थी जिस टाइम पर मॉर्निंग में मुझे ऑक्यूपेंसी उतनी नहीं दिखी हो सकता है मॉर्निंग शो के चलते हुआ है कुछ तो कॉर्पोरेट बुकिंग का एक्जेशन भी लगा हुआ है भूल भुलैया पे उसके चलते भी हो सकता है लेकिन जो जिस तरीके का क्रेज मैंने सिंघम में देखा या जिस तरीके का मतलब ऑडियंस में एक एक्साइटमेंट देखी वो मुझे भूल भुलैया भुल में ऑडियंस की जो वो है वो थोड़ी सी कम लगी ऑक्यूपेंसी बट आई एम श्योर कि आज हो सकता है दिन में कुछ सब मामला थोड़ा सा बेटर हो जाए फिल्म आपको कहीं कहीं पर क्रिंज वाला भी देगी ठीक है आई एम बींग ऑनेस्ट विद यू कहीं कहीं पर क्रिंजी भी लग सकते हैं जोक्स थोड़े से वैसे भी लग सकते हैं बट ओवरऑल इट्स अ गुड एंटरटेनर मैं तो आपसे पहले भी कहती हूँ डिस्कलेमर नेवर एवर फॉल फॉर रिव्यूज सब्जेक्टिव चॉइसेस हैं सबकी आपको कार्तिक आर्यन के लिए फिल्म देखनी है आप जाओ जरूर देखने जाओ अगर आपको लग रहा है ट्रेलर में दम था आपको ये फिल्म देखनी है जरूर देखने जाओ दर इज आई I मीन mean, बड़ी मुश्किल से जो फिल्में आ रही हैं रिलीज हो रही हैं तो जरूर देखो और टिकट प्राइसिंग भी कोई ऐसी नहीं है कि बहुत महंगी टिकट प्राइसिंग है ठीक टिकट प्राइसिंग है और अगर मैं आपसे बात करूं अभी तक की कलेक्शन कितनी है तो भाई अभी मॉर्निंग मॉर्निंग शोज है तो थोड़ा आफ्टरनून लगा लो चलो अब दोपहर का टाइम हो चुका है तो अगर दोपहर तक का मैं आपको नंबर बताऊँ फाइव पॉइंट की अभी तक की कलेक्शन हो चुकी है विच इज अलिटल लेस देन सिंघम बट इफ आई सी बुक माई शो बुक माई शो में मुझे ट्रेंडिंग अच्छी खासी दिखाई दे रही है आज मुझे सिंघम की एड चलती हुई दिख रही है फिफ्टी आप यहाँ पे दिस इज भूल भूलैया पूरा भाई पूरा ऑरेंज है ये पूरा ऑरेंज है तो भैया बहुत ही बढ़िया ओपनिंग लगने वाली है इस फिल्म की मुझे लगता है कि आज अगर हम बात कर रहे थे कहीं ना कहीं तीस पैंतीस करोड़ देवन की तो वो बहुत इजीली होता हुआ मुझे पे दिखाई दे रहा है अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है मुझे तो बहुत उम्मीद है इस फिल्म से मेरे को बहुत अच्छी लगी ओवरऑल कलेक्शन वाइज भी मुझे एक्सपेक्टेशंस है कि आज अच्छी खासी कलेक्शन डे वन पे कर सकती है क्या ये मंडे ट्यूजडे टेस्ट पास करेगी यस yes, हंड्रेड करेगी ही करेगी आप बताओ बाकी आपको फिल्म कैसी लगी है लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन बाकी लाइक दिस वीडियो थम्स इट एंड चैनल